शामली के गांव फतेहपुर में एक हफ्ते पहले हुई कहासुनी के बाद बुधवार को घर से बुलाकर एक युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। मृतक युवक लहूलुहान अवस्था में घर पहुंचा, जहां उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आइए दिखाते हैं आपको इस पर हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। मैम, एक घटना हुई है बाबरी क्षेत्र में, क्या पूरा प्रकरण है? ये अभी जो है हमें सूचना मिली है, यहाँ पे 18 साल का एक लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ ट्यूबवेल पे बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, जिन्हीं बातों में हो सकता है उन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ। आपस में दोस्ती में ही उसने दूसरे पक्ष ने इस पे चाकू से हमला किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। हमने जो है परिजनों से तहरीर ले ली है और अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। मैं आपका सोकिंदर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर के। अच्छा, क्या घटना घटित हुई, क्या लगता है आपका लड़का जो अंदर है? भतीजा है हमारा। क्या नाम है इसका? सूरज। क्या हुआ? ये घर था तो घर से सर ले बुला के लेके गए और कुछ हुआ पता नहीं वो, लेकिन उसके चक्कू मारे। अच्छा, किसने मारे चक्कू? वो अजी जाट का लड़का। क्या नाम? मनीत। अच्छा, अकेला ही था वो, और भी कोई थे? नहीं थे, वो नहीं देखा। फिर यहाँ पर लाए हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में आया हुआ है। क्या हाल है इसका? लेट हो गया। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी आपने? जी, हाँ जी आई थी। पुलिस आई थी?